सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है, सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है। और टीका पार कला से परम सम्मानी साहिल श्रीवास, सोनल श्रीवास, हीना श्रीवास, हंस श्रीवास, आपके तरफ से 101 रुपए भाव पुष्प मिले हैं। और उकर सियार मन का सुंदर से वो अपन सरनेम रखे श्रीवास। श्री मतलब लक्ष्मी, अवास मतलब बसने वाले। जिन घर में माँ लक्ष्मी के वास हो वही श्रीवास हो सकते। एक बार श्रीवास के परिवार की तरफ से 101 रुपए भाव पुष्प मिले हैं। और आग्रह है कि माँ के गीत गाने हैं, जिन गीत आप रायपुर में गाए, रायपुर में बढ़िया सुना रहे हो, बहुत सुंदर, आदरणीय भैया जी। और एक बार श्रीवास परिवार के लिए जोरदार ताली चाहूं मैं। हाँ, गन्नू हो या गुनन्नू हो, इनकामा रुपए दी से हम लोग गन्नू और गुनन्नू से मतलब नहीं है, हम लोग इनकामा रुपए से मतलब है। भगवान की कृपा गुनन्नू के ऊपर सदैव बरसे हमेशा, गन्नू के ऊपर और गुन्नू के ऊपर और गुनन्नू के ऊपर कृपा बरसे। प्रेम से बोलो गुनन्नू परिवार की। एक बार रामायण आयोजक समिति टीका पार कला, जिन खैरागढ़ अंचल के सुविख्यात गांव है, जिन गांव में राम कथा के चर्चा होते और राम कथा का आयोजन केवल ये अंचल ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के कोना कोना में ये गांव के नाम रोशन करिस, आदरणीय समलिया गुरुजी, गुरुजी के लिए बड़ा जोरदार ताली चाहूं मैं। समलिया गुरुदेव जी, श्री नेतुराम वर्मा शिक्षक, श्री केशलाल श्रीवास, श्री राघवेंद्र वर्मा शिक्षक, श्री परशुराम वर्मा, श्री मनोज वर्मा, श्री हेमलाल वर्मा, श्री अशोक वर्मा और समलिया गुरु जी का है। एक बार गुरुदेव जी के लिए बड़ा जोरदार ताली, जिन शिक्षक हैं। और शिक्षक के लिए एक बात कहना चाहूं कि शिक्षक न पद है, न पैसा है, न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक न पद है, न पैसा है, न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा, गीता में उपदेशित, माँ फलेशु कदाचन वाला कर्म है। हाँ, अगर देखोगे तो अनेकों कमियां नजर आएंगी, आपके आस पास जैसी कोई सूरत नजर आएंगी, लेकिन यकीन मानो शिक्षक जब अपनी भूमिका में होता है तो जमीन पे होकर भी वह तो आसमान को छूता है, जमीन पे होकर भी वो आसमान को छूता है। गुरु जी के ये ताकत है। और स्थिति एक संत बहुत सुंदर बात इनका कि हे गुरुदेव जी, जब आप किसी का भ्रम दूर करते हो तो आप साक्षात भगवान ब्रह्मा लगते हो। हे गुरुदेव जी, जब आप किसी की शंका दूर करते हो तो आप साक्षात भगवान शंकर लगते हैं। हे गुरुदेव जी, जब आप किसी का विष दूर करते हैं तो आप साक्षात विष्णु भगवान लगते हैं। हे गुरुदेव जी, जब आप किसी की दुर्गति दूर करते हैं तो माँ आदिशक्ति दुर्गा लगते हैं। और हे गुरुदेव जी, जब आप किसी का गुरूर दूर करते हैं तो साक्षात गुरुदेव भगवान लगते हैं। इसलिए कहा गया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयोजक समिति की तरफ से 501 रुपए भाव पुष्प मिले, आदरणीय समलिया गुरु जी के लिए जोरदार ताली। और लगभग हमला 7 साल हो गए लगभग गुरु जी से साथ हमारा आत्मीय संबंध बने हैं। और आशीर्वाद हमेशा हमर गाड़ा गाड़ा जो हर मंडल मिलते, अब ये तरफ महाराष्ट्र को थे, आदरणीय समलिया गुरु जी के माध्यम से हमला जाए के अवसर मिलते, अपन आशीर्वाद हमेशा बरसाए रहो। एक बार समलिया गुरु जी के लिए एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा। और आओ आग्रह करे है हमर परम सम्मानी रत्नेश भैया, गाड़ा गाड़ा जोहार के भजन गाना है इसे कहीं के। अब आप सबके बीच में वही गाड़ा गाड़ा जोहार। नर नारी सब
हमारे बाबूजी पर जोर दा ताली। अच्छा अच्छा सुंदर नाचा त्रिस जानो मनो, ऐसे लगा त्रिस के यमराज स्वयं आ गए। हम तो डरा गए, बाद में पता चली। एक बार अच्छा सुंदर नाचा त्रिस, ऐसे लगा त्रिस अमृत पुरुष स्वयं आके नाचा थे। एक बार जोर दा ताली। और मैं तो कहूँ अमृत पुरी तो चले गए, इतना सुंदर नाचा थे ऐसे लगा जानो मनो मिथुन चक्रवर्ती स्वयं नाचा थे। एक बार जोरदार ताली बाबू जी के लिए। और ताली बजा के बिल्कुल बाबू जी सम्मान के साथ है। आखिर बिल्कुल सुहार की चले हुए नाचना बाबू जी, बिल्कुल आप जो मत थे। अब आखिर भोजन करके जाऊ साथ सौ का नाम बाबू जी आपके। अच्छा हमारे समझिए गुरु जी टीका पार से पधारे हैं खास कर ही काम के लिए। हाँ एक बार हमारे बाबू जी के लिए कम से कम आपके बीच में आप सबके मनोरंजन तो कैसे एक बार जोरदार ताली का अपेक्षा अच्छा सुगर नृत्य करी के हमला गदगद कर दी। और दुनिया में रुलाने वाला कमी नहीं है, कमी तो केवल हंसाने वाला के। दुनिया में टांग खींचने वाला कमी नहीं है, कमी है केवल उठाने वाला के। ऐसे ती हांसो, दिल खोल के हांसो। और मैं तो कहूं हांसे का अधिकार केवल मन खींच न दे। रामायण सुन के जात रहो, चौक में गोल्डर मिले, कहां गए थे भाई इगो हालत खराब। संत तरुण सागर जी महाराज से एक बात कहीं, हंसतो तो ये पुण्य का काम है और हंसा तो
ये परम पुण्य के काम है। कम से कम आप गदगद तो करिस आदरणीय बाबूजी के लिए एक बार जोरदार ताली का अपेक्षा। चेथिल मार दी सो लई काला देखते छो भाई चेथिल मार दी सो दाई है और लेकर मारे बाप को तुम रामायण सुने बाहो हालत खराब हो बेचारा फिर बिठा दी सो एटो बात सुरदा तो नवरात्रि समय रहे का समय रहे हाँ सहयोग करो एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए पड़ोसी पड़ोसी सहयोग करना चाहिए गांव वाला गांव वाला सहयोग करना चाहिए। होली त्योहार में जिन्हें झापड़ देते पूरा फैमिली के साथ मिलके आधा झापड़ देना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा सहयोग से कोई मतलब नहीं कि मैं झगड़ा हो चेथिल मार दी देखते छो नवरात्रि समारोह है सूरत आगे ओ दुर्गा माता की पूजा करे बैग जन्माए लोग ने पर डुगुल धर के गीस कौन ला धर के गीस डुगु मतलब गुड्डू ओ गुड्डू पूजा पूजा करे गए हो तेरे अंबक मजा मही तेरे मेरे बीच में कांची भी ओ गट्टू दुर्गा माता देखे और दुर्गा माता देखो गर्मा कान फुसुर फुसुर का तो कहे ए बात जैसे सुने ओकर महतारी गुस्सा बड़े तान के अपन लेकर दे तान के उसने एक दिन बीत गए फिर दूसरे दिन पूजा करब गए हो या देवी सर्वभूतेषु कहां गए दिलीप पूत फिर गट्टू दुर्गा माता देखे ओकर मां कान फुसुर फुसुर का तो कहे फिर ओकर मां गुस्सा के तान के दे हेरा देखत रह महाराज कहां के भिवरिन कुआ के महाराज कथे कैसे दाई दे लेकर मारे ब्लाथस के पूजा करे ब्लाथस नहीं महाराज कहा तो कथे न आत्मा खुल जाते बता सही का नहीं महाराज वो टपक गए थे मोरा आत्मा इनका बता सही नहीं महाराज वो दुर्गा माता कर हावे न वो राक्षस जल्लाद इनके वो जल्लाद ल देखते महाराज वो का कथे राक्षस ल मम्मी सेम टू सेम पापा जैसा दिखते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए भाई भाई ताली मारिक पिटा खेला थे बिलवा मन देख ले बा चेथिल मार दी सो बिलवा के अब इतना भी अपन आप लोग बिलवा मत समझ तो ले ज्यादा बिलवा मोर बबारी से ओ दाई कटल गए कौन से कोलगेट का था दाई सब उधर झर गए चेथिल मार दी सो बिलवा के अब इतना भी अपन आप लोग बिलवा मत समझ तो ले ज्यादा बिलवा मोर बबारी से और सियान मन बताते और सियान के बात ला धारना चाहिए सियान मन बताते मोर बाबा हासे का बात का? मोर बाबा अवंधियार जब दोनों को एक संग खड़े हो जाए बाइगोट को चिन्ह नहीं सके कहते मोर बाबा हरे कहते अंधियार हरे हासे तब पता चले मोर बाबा हरे कहीं के अत्याचारी कहीं रोज के सुपारी के दांत नहीं टूटी अब इतना भी अपन आप बिलवा मत समझ तो ज्यादा बिलवा मोर बाबा इस वादाई देख ले कैसे बिले ही कहा थे अब बिचारी बिले ही तो मोकर का गलती का आजकल इतने अच्छे पड़ोसी पड़ोसी माए लोग झगड़ा हो गए ना तो गांव के सरपंच पटेल कौन का है साक्षात ब्रह्मा नहीं छोड़ा सके और घोषणा नहीं देखो ना बिलाई दुनिया भाई ती अपना अपना सुंदरी का हाथ हो गए कतरो फेरे लवली लगा साल भर लगा बेती हूँ कुछ नहीं हो रहे बिलाई निवेदन करो महतारी हो तुहर कमजोरी ल कोनो हासे तो गलत मत समझ तुहर घाव में कोनो मिर्चा डाले काम करे तो गलत मत समझना तुहर कमजोरी ल कोनो हासे महतारी हो तो गलत मत समझना तुहर घाव में कोनो मिर्चा डाले काम करे तो गलत मत समझना तुमले कोनो बिलई कहे तो गलत मत समझना अब ऐसी थी गलत मत समझना कि दुनिया में तू ही चमन बिलई नहीं हो तोरो ज्यादा बिलई है कहां है तो बोले हमारे भारत देश में और हमारे भारत देश में कहां तब बोले धमतरी में और पूरा दुनिया जानते का के नाम से प्रेम से बोलो बिलई माता की अब बिलई माता के ताकत तत्का है कि दुनिया के करोड़पति से करोड़पति आदमी दुनिया के खरबपति से खरबपति आदमी उस बिलई माता के चरण में जाके शीश झुका महतारी हो बिलई माता ये तुहर नारी जाति ले संकेत करते कि नारी चाहे तो अपन चरण में कतको बड़े हस्ती झुकाए के सामर्थ्य रखते न तेरी शान कम होती ना तेरा रुतवा ही घटा होता न तेरी शान कम होती न तेरा रुतवा ही घटा होता और जो गुस्से में कहा तुमने काश वही बात हंस के कहा होता काश वही बात हंस के कहा कैसे काली कहा थे झगड़ा
और तुम लोग कोनो काली कहे तो गलत मत समझना, तोहर बढ़ के काली है, ऐसे तो पूरा दुनिया गात है, जय काली कलकत्ते वाली और तोर बचन ना। तुम्हार कमजोरी लग कोनो हंसे, तुम्हार घाव में कोनो मिर्चा डाले काम करे तो गलत मत समझना दाई हो। और काली कौन, काली की ताकत बता दूं, अगर तुम लोग कोनो काली कहे कि नारी प्रीत में राधा बनी और गृहस्थी में जानकी, ये नारी प्रीत में राधा बनी और गृहस्थी में जानकी, और काली बनकर शीश काटे जब बात हो आत्मसम्मान की, जब बात हो फूल बनकर जो जिया उनको यहाँ मसला गया, आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, अगर छीनता हो हक तुम्हारा कोई उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। एक काली अब चल के इसमें नारी की ताकत बताता हूँ, तुम लोग कोनो बिले या काली कहे तुम्हें काली की ताकत बताता हूँ। एक काली कौन है, घोड़ा पे सवार होके एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल लिए, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी ताली, सिंहासन ही लुभे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आए फिर से नहीं। अगर ये कविता आप लसूरता हो भी आप पढ़े रहे हो तो मोर संग दोहराए कोशिश करो, आपकी आत्मा सुकून मिल ही, ये देवी के कविता की नहीं। सिंहासन ही लुभे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आए फिर से नहीं, जवानी थी चमक उठी सनसन तावन की वह तलवार, पुरानी थी भुंबेलो हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़े मर्दाने वह तो झांसी वाले रानी थी। निवेदन करो दाई भाई, झांसी की रानी जब दुश्मन से लड़ रही से, दुश्मन से लड़ते हुए झांसी की रानी की आधा सर कट गई से, आधा गर्दन कट गिरी से, आंत निकल गिरी से, एक आंत बाहर आ गिरी से, लेकिन नारी के ताकत आधा सर कटे के बाद भी दुश्मन के छक्का छोड़ा दी, ये तुहर ताकत है महतारी। और एक निवेदन करो, जब होते तब वो बाहर के दुश्मन हमर वीर जवान बेटी बेटा के गर्दन ला काट के ले जाते, बेटा कम पड़ गए देश की आजादी के लिए, एक बेटी चल के आई कौन है देवी, वीरांगना अवंती बाई की, वर्मा परिवार के गौरव जिन वर्मा परिवार के सरला हमेशा ऊंचाई के ऊपर बढ़ा के रख दी, सर उठा के रख दी, एक बार वीरांगना रानी अवंती बाई के लिए जोरदार ताली बजाना, वर्मा परिवार की गौरव। लेकिन जब होते तब वो बाहर के दुश्मन वो आतंकवाद हमारे वीर जवान बेटी बेटा की गर्दन ला काट के ले जाते, ये धड़ अलग करके ले जाते, आखिर कारण का है शीश ला काट के काबल ले जाते, आदरणीय समलिया गुरुजी मुलक केवल एक ही कारण नजर आते, मुलक केवल एक ही कारण नजर आते, वो दुश्मन ये देखना चाहते, वो दुश्मन ये देखना चाहते कि हमार भारत माँ के सपूत बेटा बेटी के सर के सन होते, जो कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, और सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उसने हर समाज में एक देवी अवतार लेके इसे, साहू समाज में कर्मा माता अवतार लेके इसे, जिन्हें अपन हाथ से भगवान श्री कृष्ण ला खिचड़ी खिले इसे, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब हम कलार और जे मुल यहाँ हवे नहीं कलार थे भाई, अन्नी हुई तो मैं बताता हूँ, जिन गांव में कलार होते ना वो गांव कलार मन लगा कर थे, ये कलार मन के कलर कलर ताएगा, ये कलार मन के कलर कलर ताएगा, अब हम तहन। लेकिन एक निवेदन करो दाई हो, भले हम कलारन लेकिन हमूल गर्व होते कि हमरो कुल में एक देवी अवतार ले गई से, अब वो देवी के नाम है प्रेम से बोलो बहादुर कलारिन माता की। कौन है बहादुर कलारिन माता, बहादुर कलारिन माता वो है जिन अपन सबके बेटाला, अपन सबके बेटाला मौत के घाट उतार दी, मरत ने मार दी, अब इसने नहीं मारी दाई हो, तड़पा तड़पा के मारी अपन सबके बेटा ला, तड़पा तड़पा के मारी अवेश ती मारी, कि माँ बहादुर कलारिन के बेटा गद्दार री से देश और समाज में अराजकता फैला के रखे री से, माँ बहादुर कलारिन में लगी ये बहादुर कलारिन माता रोही तो चल जही, लेकिन भारत माता रोही ये नहीं चल सकता, अपन सबके बेटा ला दांव में लगा दी, मौत के घाट उतार दी,
हम वो कुल के हनुमतारी हो, अगर हमर बेटा गद्दार निकल जाए तो अपन गद्दार बेटा ला मौत के घाट उतारे बर हमर महतारी मन कबू पाछू नहीं आते। समाज के बर्बादी केवल इस यही स्थिति हुआ थे कि हम गलत के साथ दे थन, और हमर देवी ऐसे है कि हमर गलत भी हो गए तो अपन बेटा ला मौत के घाट उतार देते। ताली बजा के तुम कैसे छट्टा छट्टा हो गए होगा, विवाह कर रही ने और यहाँ करोगे तो बात सुरता थे। पहले हमारे गांव में आए समझ ले गुरु जी, जरूर दिखाएगा जरूर दिखाएगा। और गड्ढल खने दाए हो अति मुड़ी भर गड्ढल खने, और लगभग 2 दिन ले वो आदमी है वो गड्ढम नहीं रहा है पाट दे जाए, और भगवान की कृपा ले 2 दिन बाद उन निकाले जाए